हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं स्टेडल आर्ट पेंसिल यूज करने वाली हूँ, जो कि मैंने ऑनलाइन परचेस की है और इसका प्राइस है 650 के करीब, शायद भूल गई मैं। तो जो भी हो, आज तक मैं सस्ता पेंसिल यूज करती थी, जैसे कि फेवर कैसल हो या फिर अप्सरा हो, और शॉप से मैंने कुछ स्टेडल आर्ट ली थी जो कि बहुत ही घटिया था। 50 रुपए के करीब एक पार्ट पीस पड़ा था, पर वो तो बिल्कुल नॉर्मल पेंसिल जैसा था और मुझे लगता था कि मैं इतने महंगे पेंसिल यूज करने के काबिल नहीं बनी, इसीलिए मैंने अब तक यूज नहीं की है। आज पहली बार मैं इसको अफोर्ड कर चुकी हूँ और इसका स्केच मैं बनाने वाली हूँ। देखते हैं इसका स्केच कैसे बनता है। और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि शुरुआत में आप नॉर्मल पेंसिल यूज करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा ये। तो फ्रेंड्स, और हाँ, मैं कुछ उदास भी हूँ आप लोगों की वजह से, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, पता नहीं क्यों आप लोगों को पसंद नहीं आता या फिर सब्सक्राइब नहीं करते आप। तो प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सबको कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की, आप लोगों की प्यार की ज़रूरत है। तो प्लीज़ वो दिखाओ मुझे और मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं वीडियोस बनाने के अच्छा अच्छा वीडियोस में बना सकूँ और अच्छा भी लगेगा मुझे। कभी कभी उदास हो जाती हूँ कि फ़ायदा क्या है ये सब करने की। तो चलिए शुरू करते हैं, ये सब छोड़ के देखते हैं कैसे बनता है ये स्केच। ये 6 पेंसिल का सेट है, जो कि है HB है, 2B है, 4B है, 6B, 7B एंड 8B। और इससे अच्छा तो वो 12 पीस वाला है, तो उसमें डार्कनेस बहुत अच्छा आएगा। 8B जो कि सबसे डार्क है इसमें, तो उतना डार्कनेस आपको नहीं देगा, पर स्मूथनेस गारंटी के साथ बहुत है, अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल बटर की तरह है और एकदम इतने अच्छे से स्मच हो जाता है। पर मैंने जो शॉप से ली थी वो बहुत ही घटिया था, वो बिल्कुल स्मूथ ही नहीं, स्मच नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो ये मैंने काफ़ी हिम्मत करके ली है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अभी तक काबिल ही नहीं बनी हूँ, ये पेंसिल यूज़ करने लायक नहीं हूँ। अब आज का स्केच देख के पता नहीं, मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ, मैं काबिल बनते जा रही हूँ धीरे धीरे। तो आपको कैसा लग रहा है? अगर आप मुझसे सहमत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और यही बोलूँगी बस, साथ दीजिए ताकि मैं कुछ कर सकूँ, आगे बढ़ सकूँ। मैं, आप सोच रहे होंगे कि कभी मैं ऑयल पे चली जाती हूँ, कभी पेंसिल स्केच पे चली जाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, एक जगह ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। तो कभी कभी बोर हो जाती हूँ पेंसिल से या फिर ऑयल से, कलर से, तो अलग अलग ट्राई करती हूँ। कभी कभी पेंटिंग स्केच छोड़ के कुछ क्राफ्ट भी बना लेती हूँ, ऊल का या फिर क्ले का, POP का। तो वो अभी काफ़ी दिनों तक मैंने की नहीं, तो वो भी शुरू करूँगी, स्केचर भी बनाऊँगी, पर उसके लिए उतना अच्छा नहीं बन रही हूँ, तो इस वजह से मैं वीडियोस में नहीं डालती। अभी फ़िलहाल स्केच और पेंटिंग ही सिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि ऑयल पेंटिंग की ट्यूटोरियल देने के लिए, तो मैं कोशिश करूँगी ऑयल पेंटिंग की शुरुआत से मैं सारे सब कुछ आसानी से बताने की, जितने भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, उसका टेक्निक जो खुद से मैंने सीखा है। तो मुझे पता है कि बिगनर्स का प्रॉब्लम्स क्या है, ऑयल पेंटिंग में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है बिगनर्स के। मैंने तो कितने सारे बर्बाद किए हैं कैनवासेस, कलर्स वगैरह। तो मुझे ऐसा लगा कि किसी से पूछने से अच्छा खुद से सीखना सबसे ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि खुद अगर सीखोगे तो खुद का गलती आपको नज़र आएगा कि मैं कहाँ पिछली बार गलती कर चुकी हूँ और दोबारा वो गलती ना दोहराऊँ। और किसी से पूछोगे तो वो उल्टा सीधा बोलेगा, कोई बोलेगा खैर छोड़िए जो भी है। वैसे मुझे
किसी से पूछने से अच्छा खुद से सीखना बेटर लगता है यूट्यूब से। मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा है, और फेसबुक से मुझे बहुत मदद मिली है, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये पेंसिल के इतने सारे वैरायटीज होते हैं, इरेजर का होते हैं। तो यही मैंने बस खुद से सीखा है, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे जैसे गलती आप लोग ना करें, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से पूछ के बहुत सारी गलतियाँ कर चुकी हूँ, तो दोबारा नहीं पूछती। तो अगर चाहते हो कि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, कोई आलतू फालतू बात नहीं बोलूँगी ताकि आपका कोई नुकसान हो, जैसे कि मेरा हो चुका है। तो प्लीज़ आपको अगर पूछना है तो आप कमेंट करके बताइए, या फिर मेरा इंस्टा पेज है चित्रकला 87, तो उस पे जाकर आप पूछ सकते हो, या फिर मेरा फेसबुक है चित्रकला प्रियंका नाम से, पेज भी है मेरा। सॉरी कृष्णा बीच में चीख दिया। और प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आए स्केच कैसा बना है। तो फिर चलते हैं, आप देखते रहिए वीडियोस को, लाइक करते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।